हेलो किड्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन. बेटा, टुडे आई विल टीच यू फिल इन द ब्लैंक्स विद नेम्स ऑफ द कलर. एंड बेटा, यह आपको क्वेश्चन पेज नंबर 43 पर मिलेगा. आप देख सकते हैं पेज नंबर 43 पर है नेम्स ऑफ द कलर. ये सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपको कलर आइडेंटिफाई करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज ब्लू. ओके, इससे आपको क्या पता चलेगा, स्काई किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है. तो हम यहाँ पर फिल करेंगे ब्लू. ओके, द स्काई इज ब्लू. स्काई किस कलर का होता है? ब्लू कलर का. नेक्स्ट, द ग्रास इज ग्रीन. ग्रास किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है. द ग्रास इज ग्रीन. ओके, इससे आपको ग्रास का कलर भी पता चलेगा और क्या कलर है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी पता पड़ेगा आपको. नेक्स्ट, द क्रो इज ब्लैक. क्रो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है. नेक्स्ट, द मिल्क इज वाइट. मिल्क किस कलर का होता है? मिल्क का मीनिंग होता है दूध. दूध सारे बच्चे जानते हैं व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का होता है. ओके, नाउ मैंगोज आर येलो. मैंगोज किस कलर के होते हैं? येलो. मैंगोज का कलर क्या होता है? येलो. हमने लास्ट टाइम आपको नर्सरी और प्ले ग्रुप में भी आपने सीखा होगा व्हाट इज द कलर ऑफ मैंगो, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई. तो अब आपको ये सेंटेंसेस में लिखना है कि क्या चीज़ किस कलर की होती है और आपको इंग्लिश में लिखना है. ओके, लास्ट इज बलून्स आर रेड. रेड भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, हर कलर के बलून्स होते हैं. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है बलून्स आर और डैश लगा होता है तो आप कोई भी कलर लिख दीजिए जो कलर आपको बलून में पसंद है. लेकिन मैंगोज तो येल्लो होता है ना, मिल्क व्हाइट होता है, ब्लैक नहीं होता है. क्रो ब्लैक होता है, ग्रास ग्रीन होती है, स्काई ब्लू होता है. तो ये क्वेश्चन आपको बेटा पेज नंबर 43 पर कंप्लीट करना है. उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मिलता है पेज नंबर है आपका 45. अब इसमें क्या है, एंसर किल द डिस्क्राइबिंग वर्ड. डिस्क्राइबिंग वर्ड जो किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, किसी की विशेषता बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल है हमारा राम इज अ गुड बॉय. तो राम की इस सेंटेंस में राम की विशेषता बताई जा रही है. विशेषता क्या है? गुड. गुड और बैड, तो गुड है ना राम, अच्छा है ना. तो सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसके ऊपर हम इस तरह से सर्कल बना देंगे. और सर्कल बनाने के बाद समझना भी है कि ये सेंटेंस में मैम ने क्या बताया है. इस सेंटेंस में मैम ने राम की विशेषता बताई है कि राम कैसा है. राम एक अच्छा लड़का है. उसके बाद दूसरा सेंटेंस हमारा आता है द शर्ट इज ब्लू. शर्ट किस कलर की है? ब्लू कलर की है. किस कलर की है? ब्लू कलर. द शर्ट इज ब्लू. नेक्स्ट है दिस इज अ टॉल ट्री. ये पेड़ लंबा है. यह पेड़ कैसा है? लंबा है. पेड़ की विशेषता बता रहा है ये कि पेड़ कैसा, लंबा है, छोटा भी होता है. तो हम टॉल पर सर्किल बना देंगे. नेक्स्ट, द बुक इज लॉन्ग. बुक इज लॉन्ग. बुक कैसी है? लॉन्ग है, मीन्स लंबी है. ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज अ हैवी बॉक्स. ये बॉक्स कैसा है? हैवी. हैवी मीन्स भारी. तो बॉक्स की विशेषता बता रहा है ना ये, हैवी पर हम सर्किल बनाएंगे. ओके, द सन इज हॉट. सन कैसा होता है? गर्म. तो हॉट पर हम सर्किल बनाएंगे. द मैंगोज आर स्वीट. मैंगोज कैसे है? स्वीट है ना. मैंगोज की विशेषता है, आम की विशेषता है मीठा. तो इस सेंटेंस में हमें उस वर्ड पर सर्किल बनाना है जो डिस्क्राइब कर रहा है. तो डिस्क्राइब क्या कर रहा है? स्वीट. देन वी विल मेक सर्कल ऑन द स्वीट. अब आपको ऐसे अच्छे से समझना है. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि हमें उन शब्दों पर सर्किल बनाना है जो कि विशेषता बताते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं. जैसे राम की विशेषता है, अच्छा, राम इज अ गुड बॉय. तो गुड पर सर्किल बना हुआ है कि राम एक अच्छा लड़का है. नेक्स्ट, द शर्ट इज ब्लू. शर्ट किस कलर की है? ब्लू कलर की है. शर्ट की विशेषता क्या है? ब्लू, नीला. नेक्स्ट, दिस इज अ टॉल ट्री. ट्री कैसा है? लंबा है. तो ट्री की विशेषता, पेड़ की विशेषता क्या हो गई? लंबा. तो हम टॉल पर सर्किल बनाएंगे. नेक्स्ट, द बुक इज लॉन्ग. किताब लंबी है. तो किताब की विशेषता क्या होगी? लॉन्ग. बुक की क्या हो गया एडजेक्टिव? लॉन्ग. लॉन्ग पर सर्किल बनाएंगे. दिस इज अ हैवी बुक. यह है बुक, हैवी है, भारी है. तो बुक की विशेषता क्या हो गई? हैवी. हैवी पर सर्किल बनाएंगे. द सन इज हॉट. हॉट पर सर्किल बना दिया. मैंगोज आर स्वीट. स्वीट पर. अब जैसे आपके बारे में कहा जाए कि आप कैसे हो? यू आर अ गुड बॉय. यू आर अ गुड बॉय. यू मीन्स तुम,
आर मीन्स हो, गुड बॉय मीन्स अच्छे लड़के या अच्छे लड़की, गुड गर्ल। तो आपकी विशेषता क्या हो गई? गुड। और बैड भी हो सकती है, अगर आप गंदा काम करोगे तो बैड हो जाओगे, तो आपकी विशेषता हो जाएगी बैड बॉय। तो इतना आप लोग समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में हमें जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ड उन पर हमें सर्कल बनाना है। ओके ओके बेटा, टेक केयर, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बेटा, बाय।